कॉस्मेटिक नहीं आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 10 दिसंबर से शुरू हो रही कुश्ती लीग के लिए सोनीपत के कुश्ती ट्रैक पर हरियाणा के खिलाड़ी खूब पसीना बहा रहे हैं। इस लीग में देश और दुनिया के 60 से अधिक शीर्ष पहलवान हिस्सा लेंगे, जिसमें हरियाणा की ओर से योगेश्वर दत्त अपने फन का जादू दिखाते नजर आएंगे। ये दाव पेज और ये जोर आजमाइश है 10 दिसंबर से शुरू हो रहे प्रो रेसलिंग लीग के लिए। भारतीय कुश्ती महासंघ की ओर से आयोजित होने वाली देश की पहली पेशेवर कुश्ती लीग का आयोजन दिल्ली में हो रहा है, जिसमें हरियाणा की ओर से ओलंपिक पदक विजेता रेसलर योगेश्वर दत्त भी हिस्सा ले रहे हैं। योगेश्वर कहते हैं कि प्रो रेसलिंग लीग देश के प्रतिभावान पहलवानों को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगा। ये कि इसमें ये लोगों पसंद आए, लोग इसको खूब देखें और जिसे नए चेहरे उभर के आए। अगर ये चलती है लीग तो ये समझिए कि हमारे जो नए पहलवानों को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा और नए चैंपियन भी निकल के आएंगे, उसका फायदा आने वाले ओलंपिक में देखने में मिलेगा। प्रो रेसलिंग लीग 10 दिसंबर से 27 दिसंबर तक चलेगी, जिसमें देश की 6 टीमें भाग लेंगी। हर टीम में 9 पहलवान होंगे, जिनमें 4 लड़कियां और 5 लड़के शामिल होंगे। बेंगलुरु टीम में शामिल पहलवान बजरंग कुमार का मानना है कि ये लीग पहलवानों के लिए गर्व की बात है। ये 6 टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और ये 10 से 27 तारीख तक दिसंबर है उससे स्टार्ट, 10 से स्टार्ट है और 27 को फाइनल है। इसमें एक टीम में 9 प्लेयर हैं, उसमें 4 लड़कियां हैं और 5 लड़के हैं।